अलीगढ़ के सांसरी गेट थाना क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटलों की बारसी आ गई है। यहां पर हॉस्पिटलों के नाम केवल कस्बों को धोखा दिया जाता है तथा मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। आए दिन डॉक्टरों की कमी के कारण हॉस्पिटलों में जान जाती रहती है। लाखों शिकायतों के बाद भी जिला प्रशासन की कुंभकर्ण की नींद नहीं खुलती है। जिला प्रशासन के स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे हॉस्पिटलों को संचालित कराते हैं जिनमें डॉक्टरों की कमी होती है तथा आए दिन जिला प्रशासन की लापरवाही से भर्ती हुए मरीजों की जान जोखिम में बनी रहती है, लेकिन जिला प्रशासन की कोई भी कार्रवाई ऐसे हॉस्पिटलों पर नहीं होती है। आज भी अलीगढ़ के शेखर सर्राफा मेमोरियल हॉस्पिटल में दो बच्चों की जान चली गई, जो कि पिछले 21 तारीख से एडमिट थे, जिसके 7 तारीख को छुट्टी दे दी गई एक वर्ष से के मासूम की फिर तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे परिवार वाले फिर से कर सर्राफा मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तथा डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कर लिया। आईसीयू में भर्ती करने के बाद डॉक्टर को अपने घर चले गए, लेकिन वहां पर जो नर्स स्टाफ बोला जाता है, जो कि इन पर डिग्री अभी नहीं है, वहां पर रात्रि में छोड़ जाते हैं, जिसके कारण आज एक वर्ष की मासूम की जान चली गई तथा कुछ ही देर बाद आईसीयू में भर्ती दूसरे बच्चे की भी जान ऐसे हॉस्पिटलों में ले ली गई। एक घंटे के अंदर 2 बच्चों की जान चली गई तथा परिवार वालों से मामले को श्री हटाने के लिए भी बोला गया तथा पुलिस द्वारा दबाव भी बनाया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक पीड़ित परिवार की तहरीर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आखिर ऐसे हॉस्पिटलों पर स्वास्थ्य विभाग की कब नजर पड़ेगी? क्या ऐसे ही बच्चों की मौत का मातम हर घर देखा जाएगा? मामला ये रहा, यहाँ पर जितने भी बच्चे एडमिट होते हैं, इतनी लापरवाही यहाँ होती है स्टाफ की, डॉक्टर टाइम से नहीं आते, पेरेंट्स को उनके बच्चों से नहीं देखने दिया जाता। एक यहाँ पर टाइम निर्धारित किया हुआ है और विदिन सेकंड के लिए यहाँ पर पर्दा हटाते हैं, बच्चों को देखने नहीं देते, और इतना गंदा यहाँ पर सिस्टम बना रखा है। मैं बच्चे के पिता का बड़ा भाई हूँ, तो यहाँ इतना गंदा सिस्टम बना रखा है, पैसे खींचते हैं लोगों से कि हाँ जी पहले पैसे जमा कराइए, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, चाहे मरीज मर जाए, लेकिन उनको अपने पैसे से मतलब। शाम के टाइम में 6 बजे के बाद यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, केवल नर्सिंग स्टाफ होता है। ये FIR मैंने दर्ज की है, FIR की कॉपी ये है, क्योंकि यहाँ कोई स्टाफ नहीं होता, केवल हाई स्कूल इंटर पास नर्स यहाँ पर अवेलेबल होती है। पूरे दिन में 2 बार पर्दा हटाते हैं, एक सुबह आपका 11:30 के भैया जब मैं वेट करूंगा जब पर्दा हटेगा, हम रिक्वेस्ट ही करते हैं तुम पर्दा हटा। दोपहर को मैं आया था, 1:30 बजे करीब डॉक्टर आए, आपके डॉक्टर कह गए कि शाम को आपकी बच्ची छुट्टी हो जाएगी, तबीयत ठीक है, बिल्कुल सही है, शाम को इसे जाने देंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, पुलिस कॉलोनी से अलीगढ़। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, दोपहर वही थी, डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक है, शाम को आप ले आ सकते हैं, बच्ची बिल्कुल ठीक है, ठीक था। अब मैं आया शाम को तो देखा कि क्या नाम, मैंने कही 5:30 बजे कह रहा मैं फाइल बनवा दूँ क्या, अभी नहीं, डॉक्टर कह के नहीं गए। अब डॉक्टर कह रहे थे सामने, कहा स्टाफ के सामने कि मैं फाइल, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये छुट्टी कर देना, इनकी तो सब सुनते हैं, ऐसी तो नहीं है कि नहीं सुने, कंपाउंडर वहीं खड़े होते हैं, तो डॉक्टर अब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझसे नहीं कहा, साइन नहीं करे, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अब ये बताइए, अब किसी तो साइन नहीं करे, वो एमएनसी में छुट्टी रख ले जाते हैं, वो भी छुट्टी रख ले गए। फिर इसके बाद फिर